हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज के इस लेक्चर में मैं आपको रोटेशनल डायनेमिक्स के बेसिक्स बताऊंगा। ठीक है, जैसे हमने न्यूटन सेकेंड लॉ यूज किया था ट्रांसलेशनल मोशन में, आज हम न्यूटन सेकेंड लॉ रोटेशनल मोशन में यूज करेंगे और उसको यूज करके हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उस पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू एम ए, है ना। ये हमें मालूम है फॉर्मूला क्या था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस वाज न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। अब वैसे ही न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट वाज न्यूटन सेकेंड लॉ इन ट्रांसलेशनल मोशन, वैसे ही न्यूटन सेकेंड लॉ रोटेशनल मोशन में कैसे हम यूज करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है। ठीक है, आपको मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आपको मालूम है टॉर्क क्या होता है, दोनों हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम समझते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन, है ना। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, मान लो कि कोई एक ऐसा कोई रिजिड बॉडी है किसी भी शेप का और ये घूम रहा है, है ना। लेट सपोज दिस इज द एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है मान लो, और ये ऐसे घूम रहा है कि घूमते घूमते इसका एंगुलर स्पीड भी चेंज हो रहा है ना, ऐसे घूम रहा है। ओके, अब इसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना आई होगा, हम वो लेंगे। अब इसमें मुझे टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करो, एक स्मॉल पार्टिकल इमेजिन करो यहाँ पे। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक स्मॉल पार्टिकल डी एम इमेजिन किया। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल डी एम जो कि एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अब अगर ये मान लो ये रिजिड बॉडी पूरा घूम रहा है, तो ये डीएम किस सर्कल पे घूमेगा, इस ऐसे घूमेगा, डीएम के घूमने का ये सर्कल है, करेक्ट है, डीएम जो है इस सर्कल में घूम रहा है। ओके, अगर डीएम घूम रहा है तो सर्कल सर्कुलर मोशन में है, तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा। अब आप मुझे बताओ कि डीएम पे एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा अंदर की ओर, ठीक है, जिसको आप एफ रेडियल भी बोलते हो, रेडियल फोर्स, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि जरूरी है कोई भी बॉडी अगर सर्कल में घूमता है, और अगर घूमते घूमते स्पीड भी चेंज हो रहा है ना, घूमने का स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक टेंजेंशियल फोर्स भी लगेगा। ठीक है, दिस इज एफ टेंजेंशियल, करेक्ट है, एफ रेडियल एंड एफ टेंजेंशियल, दो फोर्स हर पार्टिकल पे लगेगा, है ना। रिजिड बॉडी में जितने भी पार्टिकल लोगे सबका अपना घूमने का सर्कल होगा और सब पे ये दो फोर्स लगेंगे। ठीक है, अब अगर टॉर्क इसमें, इसको अगर मान लो टॉर्क मिल रहा है, रिजिड बॉडी को अगर टॉर्क मिल रहा है, तो यही दो में से किसी एक फोर्स से मिल सकता है, कौन सा फोर्स, एफ रेडियल और एफ टेंजेंशियल, है कि नहीं। एफ रेडियल का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाय आर, आपको मालूम है, ठीक है, और एफ टेंजेंशियल क्या होता है, एम डी वी बाय डी टी, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, मालूम है ना आपको। एफ रेडियल जब हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ये फोर्स कितना होता है, एम एम की जगह तो मैंने यहां पे डी एम लिया है, डी एम वी स्क्वायर बाय आर, करेक्ट है। और एफ टी जब आप बोलोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम डी वी बाय डी टी, एम मैंने डी एम लिया है, डी वी बाय डी टी मतलब क्या हो गया, ए, दैट मीन्स डी एम इंटू ए, ठीक है, ए कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ और एक टेंजेंशियल जो घूमने के स्पीड को चेंज करता है ना, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है,
ठीक है। अगर घूमने के डायरेक्शन में लग रहा है तो स्पीड इंक्रीज होगा, और घूमने के अपोजिट लग रहा है तो स्पीड डिक्रीज होगा, ठीक है। इन दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? तो आप देखो एफ आर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या वो एक्सिस को आके इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? तो एक्सिस को जो फोर्स इंटरसेक्ट करता है उससे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं। यानी ये जो फोर्स है ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो टॉर्क कौन सा फोर्स प्रोड्यूस करेगा? एफ टी, एफ टेंजेंशियल, है ना, वही टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। यानी अगर आपको निकालना है टॉर्क प्रोड्यूस इन दिस, चलो मैंने स्मॉल पार्टिकल लिया है तो मैं डी टी मतलब स्मॉल टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल पार्टिकल डीएम अगर निकालना है तो कौन सा फोर्स? ये एफ टी, है ना, एफ टी मतलब एफ टेंजेंशियल, और फोर्स और आर के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर एफ साइन थीटा, एंगल 90 है तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, मतलब आर इंटू एफ टी, आर इंटू एफ टी। एफ टी मैंने कितना बोला? एफ टी मैंने बोला डी एम इंटू ए, और ए का फॉर्मूला आपको मालूम है, ए का फॉर्मूला होता है आर एल्फा। आर क्या है? रेडियस, और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ए क्या है? ए है लीनियर एक्सेलरेशन, ए इज लीनियर एक्सेलरेशन, एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, यही है ना। तो ए की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? आर अल्फा। तो ए की जगह में अगर आपने आर अल्फा लिखा तो आर इंटू डी एम इंटू आर अल्फा, मतलब ये हो गया है डी एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब आप मुझे बताओ ये डी एम आर स्क्वायर क्या है? मास इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डी एम मास है और आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो ये डी एम आर स्क्वायर क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है क्या? एम आर स्क्वायर। तो m की जगह में मैंने dm लिया है और r क्या है? डिस्टेंस है। यानी ये एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्मॉल पार्टिकल का, तो मैंने उसको di लिखा, di अल्फा। ये क्या है? d टॉर्क, स्मॉल टॉर्क एक्टिंग ऑन dm। ऐसे ही अगर आपने जितने भी पार्टिकल हैं सबका टॉर्क लिया, ठीक है, और सबके टॉर्क को ऐड किया तो आपको नेट टॉर्क क्या मिलेगा? नेट टॉर्क में नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो ये क्या आएगा? आई अल्फा। दैट मींस टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। आप इस इक्वेशन को बोल सकते हो, ये कौन सा इक्वेशन है? ये इक्वेशन है न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशनल मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन का ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। यानी जो फॉर्मूला आपने एफ इक्वल टू एम ए में देखा वैसे ही वहां पे फोर्स था, यहाँ पे टॉर्क है, वहां पे मास था, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां पे लिनियर एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता यहाँ पे, है ना, अगर मैंने लिखा If alpha is equal to zero, तो torque भी क्या होगा? Zero होगा। मैंने starting में ही बोला था कि अगर घूमते घूमते इसका speed, angular speed change हो रहा है, तो अगर angular speed change हो रहा है इसका मतलब alpha है कुछ, तभी आपने torque का value find किया, ठीक है, समझते हो? आराम से basic समझो आप। alpha के zero होने का मतलब है इसके घूमने का speed constant हो गया,
अगर घूमने का स्पीड कांस्टेंट हो गया तो इधर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, जो फोर्स होगा वो एफ आर एफ रेडियल लगेगा, जिससे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल घूम रहा है विथ वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी, तभी हम बोलते हैं, बोल सकते हैं उसमें टॉर्क लग रहा है, एंड टॉर्क इज आई अल्फा। अगर अल्फा कांस्टेंट हो सकता है या हो सकता है अल्फा भी वेरिएबल हो, है ना, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अल्फा इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज कर, न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन, इसको यूज करके हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे कंडीशन, कंसेप्चुअल कंडीशन मैं अभी डिस्कस करता हूं आपके साथ, और आपको इसका एक प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर हम जब न्यूमेरिकल का वीडियो बनाएंगे तो आपको और अच्छे से वो समझ में आएगा। आज कुछ बेसिक कंसेप्चुअल कंडीशन डिस्कस करते हैं। देखो, तो अभी आपने क्या देखा कि F इक्वल टू एम ए, है ना, ए क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉ इन सेकेंड इन ट्रांसलेशनल मोशन, और इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे लिखते हैं, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। V क्या होता है, डी एस बाय डी टी, ए क्या होता है, डी वी बाय डी टी, या इसको लिख सकते हैं डी वी बाय डी एस इंटू डी एस बाय डी टी, मतलब ये क्या हो गया, V इंटू डी वी बाय डी एस। ये सारे फॉर्मूलाज आप ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ चुके, ठीक है। अब आप रोटेशनल पढ़ेंगे तो इसका रोटेशनल में एनालॉग कैसे लिखेंगे, F इक्वल टू एम ए में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, V के जगह में फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, U के जगह में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, प्लस अल्फा इनटू टी। अल्फा प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर अल्फा माइनस दिया हुआ है तो माइनस यहां पे साइन अपने आप हो जाएगा। S डिस्प्लेसमेंट यहां पे होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यहां पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा टी। यहां पे वी निकालते हो तो यहां पे ओमेगा निकालोगे, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बाय डी टी, या इसको लिख सकते हो डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। डी थीटा बाय डी टी क्या होता है, ओमेगा, मतलब ये क्या हो गया, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी टी। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया ये यूज आपको मालूम होना चाहिए, इसी को हम आगे यूज करके प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले, ठीक है। अब कौन कौन से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, आप पहले इसको सारे फॉर्मूला को नोट करो, फिर मैं देखो एक एक के एक के बाद एक कुछ कुछ अच्छे कंसेप्चुअल कंडीशन लेता हूं। चलो पहला कंडीशन लेते हैं, मान लो कि एक रॉड है जो इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे यहां पे आपने फिक्स किया है और ये वर्टिकल है, ये वाला एंड फिक्स है। आपसे पूछा जाता है कि अगर मैंने इस रॉड को थोड़ा सा पुश कर दिया, है ना, और ये ऐसे गिर रहा है नीचे, तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन व्हेन रॉड बिकम्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, रॉड जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका जनरल फॉर्मूला कि अगर ये थीटा एंगल घूमेगा उस पॉइंट पे कितना होगा एक्सेलरेशन, है ना। देखो, अगर मान लो ये रॉड को आपने स्लाइटली पुश किया है तो इस पर जो टॉर्क लगेगा वो इसके अपने वेट के कारण लगेगा, वेट मतलब mg, और ये mg कहां पे लगेगा, सेंटर पे, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया l बाय टू ओ से इसका डिस्टेंस, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और फोर्स और एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि ये L बाय टू है तो ये क्या हो जाएगा L बाय टू साइन थीटा। यानी टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
फोर्स कितना mg और ये कितना डिस्टेंस l बाय टू साइन थीटा। यानी जब आप टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क क्या हो गया mg इंटू एल बाय टू साइन थीटा। टॉर्क को क्या लिखते हैं, टॉर्क को लिखते हैं I अल्फा। अभी मैंने आपको प्रूफ किया न्यूटन सेकेंड लॉ इज इक्वल टू यहां पे यही है mg l बाय टू साइन थीटा। अब आई क्या लेंगे, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस कोई एंड से क्रॉस करता है रॉड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू एल्फा इज इक्वल टू एम जी इंटू एल बाय टू साइन थीटा। देखो एक एल कैंसिल हो गया एम भी कैंसिल हो गया, यानी अगर एल्फा ई साइन थीटा बाय टू एल इतना ही ना। हाँ ये अल्फा का जनरल फॉर्मूला हो गया 3g साइन थीटा बाय 2l। आपसे पूछा जा रहा था व्हाट विल बी एक्सेलरेशन व्हेन रॉड बिकम्स हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है कितना एंगल घूम गया 90 डिग्री, यानी थीटा की जगह में 90 रख दो तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है, मतलब अल्फा क्या हो जाएगा 3g बाय 2l। तो किसी भी एंगल पे अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो ऐसे आप निकाल सकते हैं अगर आपको थीटा मालूम है। समझ में आ रही बात। अच्छा अब इसी में अगर आपसे पूछा जाता कि व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट मेक्स, व्हेन इट मेक्स एंगल थीटा विथ वर्टिकल, एंगल थीटा विथ वर्टिकल। अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना आपको सिखाया, अब एंगुलर वेलोसिटी निकालने पे देखो। तो एंगुलर वेलोसिटी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो क्योंकि देखो थीटा पे डिपेंड करता है। अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू अभी आपने क्या निकाला 3g sin थीटा बाय 2l, यही निकाला क्या, यानी अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, थीटा के साथ अल्फा भी चेंज हो रहा है। तो जब अल्फा चेंज होता है, एक्सेलरेशन जब चेंज होता है, वेरिएबल होता है, तो उस कंडीशन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाते ना, हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे कौन से फॉर्मूला से। आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी तो अल्फा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं डी ओमेगा बाय डी टी, करेक्ट है। यानी यहां पे आप क्या लिखोगे डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। आपको क्या निकालना है, आपको ओमेगा निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी कहां से कहां तक। देखो ये डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हुआ, जीरो से ओमेगा, जो पहले वो रेस्ट में था और अभी यहां थीटा डिग्री पे एंगल ओमेगा आपको फाइंड करना है। टाइम मान लो ये जीरो और ये क्या हो गया टी, इसको क्या लिखोगे, अल्फा का वैल्यू आपने निकाला है देखो 3g sin थीटा, मतलब इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा 3g sin थीटा बाय 2l dt, यही है ना। यहां पे आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, यहां पे आप लिखोगे अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। लेकिन टाइम के लिए, टाइम आपसे नहीं पूछा जा रहा है कितने टाइम के बाद वेलोसिटी, नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कितने एंगल के बाद कितना वेलोसिटी होगा, थीटा एंगल के बाद कितना वेलोसिटी होगा। यानी इसको एंगल वाले टर्म में कैसे लिखते हैं, डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, यानी ये कितना हो गया डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू ओमेगा। देखो डी थीटा बाय डी टी को मैंने क्या लिखा, ओमेगा लिखा, यानी आपको क्या मिला अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा इंटू ओमेगा बाय डी थीटा सॉरी, यानी इसको
आपको क्या लिखना है, अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। अब इसको इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक करोगे इसको इंटीग्रेट, लिमिट क्या होना चाहिए, तो जीरो से एंगल चेंज हुआ थीटा, पहले एंगल जीरो था वर्टिकल के साथ, अब हो गया थीटा, और पहले स्पीड भी जीरो था और अब एंगल स्पीड कितना हो गया, ओमेगा हो गया। अल्फा का वैल्यू यहां पे रख देने का, अल्फा का वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा बताओ, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 3g/2l, ये तो मुझे कांस्टेंट लग रहा है, मैं इसको बाहर रखता हूं। इंटीग्रेशन किसका हुआ, साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, जीरो से थीटा, और ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाय टू, और ये कहां से कहां तक, जीरो से ओमेगा। वैल्यू साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, यानी ये जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगा, 3g/2l है ना, और ये हो गया माइनस कॉस, एक बार थीटा पुट करेंगे और एक बार माइनस माइनस प्लस, कॉस जीरो पुट करेंगे, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय टू। कॉस जीरो वन होता है तो वन माइनस कॉस थीटा, कहने का मतलब इक्वेशन क्या आया, ओमेगा स्क्वायर बाय टू इक्वल टू 3g/2l वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और आपको अगर ओमेगा का वैल्यू चाहिए तो टू टू कैंसिल कर दो, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया, 3g/l वन माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट। ओमेगा का वैल्यू क्या आया, अंडर रूट 3g/l वन माइनस कॉस थीटा। ये अगर आपसे पूछा जाता किसी भी एंगल थीटा एंगल पे कितना ओमेगा है तो आप निकाल सकते। इसको निकालने का मैं एक तरीका आपको एनर्जी कंजर्वेशन से भी बाद में बताऊंगा, है ना, वो भी बहुतों को आसान लगता है बट ये मेथड भी आपको आना चाहिए। अगर मान लो आपसे पूछा जाता कि जब रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा उस कंडीशन में कितना होगा एंगुलर वेलोसिटी, मतलब थीटा के जगह में 90 पुट कर दोगे आप, तो वो ओमेगा कितना हो जाएगा, 90 कॉस 90 जीरो हो जाता है, यानी आंसर क्या आएगा, 3g/l ओमेगा इक्वल टू 3g/l। दिस इज द एंगुलर स्पीड व्हेन द रॉड विल बिकम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन में मैंने आपको ये रॉड वाले क्वेश्चन समझाया कि एंगुलर स्पीड निकालना हो, एंगुलर एक्सलेशन निकालना हो। इसमें देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो रॉड जहां पे आपने फिक्स किया है इस हिंज पे कितना फोर्स लग रहा है, ये रॉड पे कितना फोर्स लगा रहा है, या रॉड यहाँ पे जिसमें आपने इसको फिक्स किया हुआ है उस हिंज पे उस एक्सल पे कितना फोर्स लगा रहा है, उस पे भी एक कंडीशन चलो डिस्कस कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लो पहले। अब चलो मैं आपको कुछ ऐसे कंडीशन बताता हूं जहां पे आपको निकालना हो टू फाइंड रिएक्शन फोर्स एट द हिंज, है ना, यहाँ पे आपको रिएक्शन फोर्स निकालना है ना। मान लो कि इसमें बहुत तरह के कंडीशन हो सकते हैं, जैसे आपसे बोला जा सकता है कि पहले रॉड जो था वो वर्टिकल था, ठीक है, और ये स्लाइड करके जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा उस कंडीशन में कितना रिएक्शन, उस केस में कितना एक्सिस पे मतलब हिंज पे कितना फोर्स लग रहा है वो बताओ, या जब घूम के फिर से वर्टिकल हो गया तब कितना होगा, या मान लो पहले दिया जाए कि नहीं पहले ये वर्टिकल नहीं था, पहले कुछ एंगल बना के था, और अब बताओ कि अगर वो जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा हिंज पे यहाँ पे। तो पहला कंडीशन जो आसान कंडीशन है वो मैं लेता हूं, दोनों कंडीशन हम पढ़ेंगे। पहले मान लो रॉड क्या है, रॉड जो है वर्टिकल है और यहाँ ओ पॉइंट पे आपने इसको फिक्स किया हुआ है और ये वर्टिकल प्लेन में ऐसे घूम सकता है इस एक्सिस के बाउ, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना, जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो उस कंडीशन में यहां पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा ये बताइए, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको क्या समझाया, अभी समझाया था कि जब ये
हॉरिजॉन्टल हो जाएगा उस कंडीशन में अल्फा कितना होगा, उस कंडीशन में अल्फा मैंने बताया था 3g/2l और इस कंडीशन में ओमेगा क्या हो जाएगा √3g/l। ये अभी हम निकाल चुके हैं तुरंत, ठीक है, तो इसका हम यूज करने वाले हैं, है ना। अब इसको देखो, हम अलग से डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाता हूं। मान लो ये रॉड जो है, ये रॉड ऐसा है, ठीक है। अब यहां पे फोर्स कौन कौन लगेगा ये देखो, आपको मालूम है रॉड अगर घूम रहा है तो बाहर क्या लगता है, रेडियल फोर्स लगता है, ठीक है, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, वो लगेगा एमजी। तो इन दोनों के रिएक्शन में यहां सपोर्ट जो है ओ पे, यहां पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो लगेगा ऊपर ये फोर्स, चलो इसको मैंने एन वन एज्यूम किया, और एक एफ आर के अपोजिट यहां पे फोर्स लगेगा दैट इज एन टू, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है कि रिएक्शन फोर्स निकालो ओ पे, तो रिएक्शन फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, मतलब रिएक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा, आर इक्वल टू √(n1)² + (n2)² यानी आपको n1 और n2 अलग अलग से निकाल के फिर आपको ये आर निकालना, मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा रहा हूं। अब सबसे पहली बात है कि n1 कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है कि मैंने अल्फा क्या लिखा 3g/2l, ठीक है, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन नीचे कितना हो जाएगा, ए का फॉर्मूला यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है l/2, और ए का फॉर्मूला आपको मालूम है r अल्फा, सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस है l/2, तो r की जगह में क्या लिखेंगे l/2, अल्फा कितना है आपका 3g/2l, है ना, यानी एल एल कैंसिल, तो ये क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया 3g/4, यानी सेंटर ऑफ मास जो है किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या एक्सेलरेशन है 3g/4, ठीक है। तो अब आप लगाओ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ में mg बड़ा है बिकॉज ये एक्सेलरेशन किधर है, नीचे है, तो mg-n1 क्या लिखोगे आप, mg-n1 इज इक्वल टू ma, ए आप कितना निकाल चुके हो 3g/4, दैट मीन्स mg-n1 इज इक्वल टू m इंटू ए, मतलब 3g/4, तो n1 तो यहां पे आता हुआ दिख रहा है, कितना आ गया mg-3mg/4, मतलब n1 का वैल्यू आ गया mg/4, लेकिन रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए आपको n2 चाहिए। तो आपने, आपको मालूम है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पे होगा, है ना, fr, ये कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन से, हम पहले एक तो तरीका वो है कि एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे ले लो, है ना, उस पे कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मली हम एफ का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं m(ω²r), यही यूज करते हैं ना, अगर ओमेगा मालूम है तो, और ओमेगा हमको मालूम है, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि आर के साथ साथ एफ भी चेंज हो रहा है ना, यानी अलग अलग एलिमेंट पे अलग अलग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ऐसे में क्या करते हो, एक तो तरीका है कि स्मॉल एलिमेंट ले लो, उस पर कितना लग रहा है, फिर उसको इंटीग्रेट करो जीरो से यहां तक, लेकिन मैं आसान तरीका लेता हूं, इसमें इस पॉइंट में एवरेज फोर्स निकालता हूं, यहां पे कितना फोर्स है जीरो, क्योंकि आर यहां पे जीरो है, और इस वाले एंड पे कितना फोर्स है, पूरा लेंथ आपने एल ले लिया, मतलब m(ω²l) इसका एवरेज निकाल दो, यानी क्या हो जाएगा ½m(ω²l), ये भी तरीका है, आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते थे लेकिन ये मुझे आसान लगता है तो मैंने इसको यूज किया, ठीक है। यानी एफ आर कितना निकला ½m(ω²l) जो कि n2 होगा, एफ आर इज इक्वल टू n2, मतलब n2 भी कितना हो गया 1/2
इंटू एम ओमेगा स्क्वायर, 1/2 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर, बोलने का मतलब कितना 3g/L, यानी ये हो गया 3g/L इंटू एल, एल एल ये कैंसिल, यानी क्या आया एन टू का वैल्यू बताओ, एन टू का वैल्यू हो गया कितना है ये 3mg/2 यही है ना, हाँ यही है। अब N1 मिल गया N2 मिल गया, अब आप रिजल्टेंट फोर्स R निकाल सकते हो और ये कितना हो जाएगा N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी आपके हिसाब से यहाँ पे कितना निकला है mg/4, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा mg, चलो दोनों में बाहर निकाल लो ठीक है, तो आपको ये क्या बच गया 1/4 मतलब 1/16 और ये हो गया 9/4 ठीक है का अंडर रूट, कितना आएगा जल्दी से बताओ, कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है ये 16/4 37 है ना, 37/16 मतलब आंसर कितना आया mg/4√37 न्यूटन, दिस इज द रिएक्शन फोर्स एट द पिन। तो कभी भी अगर आपको यहां पे रिएक्शन फोर्स पूछे तो हमेशा N1 और N2 निकालो, N1 निकालने के लिए मैंने न्यूटन्स लॉ को यूज किया है ना, और N2 नॉर्मल एवरेज से मैंने फाइंड किया, हालांकि आप इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते थे ठीक है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, रिएक्शन फोर्स कैसे निकालना है, एंगुलर स्पीड कैसे निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालना है रॉड वाले प्रॉब्लम में, ये मैंने आपको एक समझाया। अब चलो कुछ देखते हैं पुली और ब्लॉक वाले सिस्टम में हम कैसे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन मोशन अप्लाई करेंगे। अब चलो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन मोशन हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम में यूज करते हैं, इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जो मैंने हमने आप ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा था उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, तो अब ये जो पुली है, अब ये पुली स्मूथ नहीं है, पुली कैसा मिलेगा आपको रफ पुली मिलेगा ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया रहेगा आई, एंड जो रेडियस है रेडियस रहेगा मान लो आर। अब ये रफ पुली है तो उससे क्या डिफरेंस आएगा वो देखो, अगर ये रफ पुली है तो ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग पुली पे स्लाइड नहीं करेगा है ना, स्ट्रिंग विल नॉट स्लाइड ओवर द पुली। कहने का मतलब क्या है कि पुली में और स्ट्रिंग के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा है ना, रिलेटिव मोशन नहीं होने का मतलब अगर मान लो ये पुली है और ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का इस पॉइंट पे इधर जितना वेलोसिटी होगा इस पुली का भी इधर उतना ही वेलोसिटी होगा है ना, यानी ये जो पुली है ये पुली रोटेट करेगा उसी लीनियर वेलोसिटी से जो स्ट्रिंग का वेलोसिटी है, यानी स्ट्रिंग में और पुली के बीच में दोनों का वेलोसिटी क्या है सेम है, इसीलिए स्ट्रिंग इसके ऊपर स्लाइड नहीं करता है, जिस स्पीड से स्ट्रिंग नीचे आएगा उसी स्पीड से ये पुली भी रोटेशनल मोशन करेगा और उसका जो लीनियर स्पीड होगा है ना वो उतना ही होगा जितना स्ट्रिंग का है ना, आपको मालूम है ना कोई भी एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल पे अगर दोनों का स्पीड सेम है इसका मतलब दोनों के बीच में स्लाइडिंग नहीं हो रहा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है जीरो है। ये कब होगा जब अगर ये स्ट्रिंग नीचे जा रहा है तो पुली विल बी इन रोटेशनल मोशन और वहां पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करेंगे ठीक है, दैट मींस जहां भी ये दिया हुआ है कि स्ट्रिंग इज नॉट स्लाइडिंग ओवर द पुली, इसका मतलब जो स्ट्रिंग का वेलोसिटी लोगे आप, स्ट्रिंग का वेलोसिटी क्या है जो यहाँ पे जो ब्लॉक है उसका जो वेलोसिटी है, इस ब्लॉक का वेलोसिटी वी है, इस पॉइंट का वेलोसिटी वी है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी भी वी होगा और वही वेलोसिटी उस पुली के लिए भी हम लोग यूज करेंगे, समझ में आ रही बात। अगर मान लो पुली घूम रहा है ओमेगा स्पीड से तो और इसका रेडियस है आर, तो आप वी के जगह में क्या लिखोगे आर ओमेगा,
या अगर मान लो पुली का एक्सेलरेशन अल्फा है, ठीक है, और ये आर है, स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन मान लो नीचे ये ए है ब्लॉक का, तो ए के जगह में क्या लिखोगे, आर अल्फा। इसी को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन, जो हम यहां पे यूज करने वाले हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन ब्लॉक एंड पुली। वी क्या है, ब्लॉक का स्पीड, ब्लॉक का स्पीड मतलब स्ट्रिंग का स्पीड, और उतना ही स्पीड होना चाहिए पुली का भी, इसीलिए वी इक्वल टू आर ओमेगा किया। ओमेगा क्या है, पुली के घूमने का रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरह ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक और एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग, और वही एक्सेलरेशन पुली के रिम पे उतना ही होना चाहिए, इसलिए ए इक्वल टू आर अल्फा करेंगे। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, और ये कब कब यूज करोगे, जब जब आपको दिया रहेगा रफ पुली है और स्ट्रिंग इज नॉट स्लाइडिंग ओवर द पुली, मतलब पुली इज कंप्लीटली इन रोटेशनल मोशन। अब देखो, चलो अब ये कॉन्सेप्ट तो आपने नोट कर लिया, अब इसको यहां पे यूज करते हैं। अब अगर मान लो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहीं पे देखो मैं फोर्स ड्रॉ करता हूं, इसी में मैंने इसको नीचे बनाया, मतलब ये नीचे जा रहा है, मान लो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहां पे M2G नीचे फोर्स लगेगा, यहां पे M1G फोर्स नीचे लगेगा, यहां पे टेंशन जो है ये यहां पे टेंशन जो है ये टेंशन T2 है, और यहां पे जो टेंशन है वो T1 है। आप पूछेंगे मैंने टेंशन इक्वल क्यों नहीं लिया, ट्रांसलेशनल मोशन में तो आप टेंशन इक्वल लेते हैं दोनों स्ट्रिंग में, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन में वो पुली नहीं घूमता ना, ट्रांसलेशनल मोशन में वो स्ट्रिंग इसके ऊपर स्लाइड करता है ना। लेकिन अगर आपको पुली को घुमाना है तो एक नेट टॉर्क चाहिए, है ना, अगर मान लो पुली रेस्ट में है और आप उसको घुमाना चाहते हो तो घुमाने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। टॉर्क के लिए ये मान लो ये T2 है, पुली को ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, और ये T1 क्या घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप दोनों इक्वल ले लोगे तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, पुली घूमेगा ही नहीं, स्ट्रिंग स्लाइड करेगा। लेकिन क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग इज नॉट स्लाइडिंग, इसका मतलब ये हुआ कि एक नेट टॉर्क है, और जाहिर है कि M2G नीचे जा रहा है तो पुली का टेंडेंसी क्लॉकवाइज घूमने का होगा, मतलब ये टॉर्क T2 का टॉर्क T1 से ज्यादा होगा। तो इक्वेशन क्या क्या बना, पहला इक्वेशन चूंकि ये नीचे जा रहा है तो आप लिखोगे M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। दूसरा, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो आप क्या लिखोगे, T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। और थर्ड इक्वेशन पुली का होगा, और पुली के लिए T2 का कितना टॉर्क है, देखो ये एंगल कितना है, ये यहां पे एंगल 90 डिग्री है, तो T2 का टॉर्क कितना हो गया, T2 इंटू आर। अगर मान लो T2 का टॉर्क आपने प्लस लिया है तो T1 का टॉर्क माइनस होगा, क्योंकि ये उल्टा घुमाना चाह रहा है, यहां पे भी एंगल क्या है 90 डिग्री, तो T2R माइनस T1R, और ये क्या है, ये नेट टॉर्क है, और नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, यही पढ़ाना भी हमने, आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। और आपको मैंने बताया था A इक्वल टू R अल्फा, तो अल्फा की जगह में क्या लिख सकते हैं, आई ए बाय आर। यही तीन इक्वेशन आपको यूज करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर इन तीनों को आप ऐड कर दोगे, मान लो कि ये थर्ड इक्वेशन को एक लाइन और लिख लो यहां पे, मान लो मैंने इसको आर को उधर ले जाएंगे तो T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो गया, आई ए बाय आर स्क्वायर, ये मान लो थर्ड इक्वेशन है। अब इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थर्ड को ऐड करो, T2 कैंसिल हो जाएगा, T1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिला, M2G माइनस M1G, और इधर क्या मिला, M1 प्लस M2 प्लस I बाय R स्क्वायर इंटू A। आपने क्या निकाल लिया, आपने A का वैल्यू निकाल लिया, M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाय
एम वन प्लस एम टू प्लस आई बाय आर स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला जब निकाला था ट्रांसलेशनल मोशन में तो बस ये आई बाय आर स्क्वायर जीरो था ना, वहां पे कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं था, तो फॉर्मूला आया था एम टू माइनस एम वन जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। अब यहाँ पे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करें। एक बार आपको ये फॉर्मूला मिल गया, अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, आपसे टी वन पूछे निकल जाएगा, आपसे टी टू पूछेगा ये भी निकल जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पुली, अब ये पुली कैसा है उस पे आई डिपेंड करेगा, हो सकता है डिस्क हो सकता है होलो सिलेंडर हो सकता है सॉलिड सिलेंडर हो, जो भी होगा वो आप यहाँ पे आई का वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो अगर आपसे पूछे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पुली आफ्टर टाइम टी कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अगर पुली पहले रेस्ट में था तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी आप क्या लिखोगे अल्फा इंटू टी। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाय आर, आपने ए ऑलरेडी निकाल लिया, यानी ये क्या हो जाएगा एम टू माइनस एम वन जी डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया एम वन प्लस एम टू प्लस आई बाय आर स्क्वायर इंटू आर, ये अल्फा हो गया इंटू जो टाइम दिया हुआ है आप उसमें निकाल सकते। अगर आपसे पूछेगा टी टाइम में कितना रोटेशन हुआ पुली का तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, तब यूज करोगे थीटा इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। मतलब कैसे भी क्वेश्चन हो, मान लो ब्लॉक का पूछे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। यानी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है, ये आप लगाओगे तो आगे कोई भी पैरामीटर आप फाइंड कर सकते। समझ में थोड़ा फील आ रहा है ना। आप देखो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं आपको, उसमें पहले आपने किया है प्रैक्टिस, बट यहां पे क्या डिफरेंस है ये आपको आप समझ में अच्छे से आएगा, है ना, इसको नोट करो पहले। चलो मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि M1 जो है वो टेबल पे है, M2 इज हैंगिंग वर्टिकली, आपको T1 पूछे या T2 पूछे, A पूछे या इसका अल्फा पूछे, है ना, कोई भी चीज निकालना हो तो फिर से वो न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन यूज करके आप आंसर निकालोगे। आपको अभी भी समझ में आ गए होंगे आंसर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेट वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, M2 है, तो आंसर इसका A का क्या आएगा, बहुतों को ये आंसर मालूम भी होगा, ए का फॉर्मूला क्या आएगा, ऊपर एम टू माइनस एम जी नहीं होगा, अब सिर्फ क्या होगा एम टू जी होगा, नेट वर्टिकल फोर्स यही है, तो इसका एम वन जी एन से बैलेंस हो रहा है तो इसका एम वन जी नहीं लेते हैं, नीचे कोई अंतर नहीं आएगा तो एम टू प्लस एम वन प्लस आई पर आर स्क्वायर। आप इसको निकाल के, है ना, एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना, इसके बाद टी वन भी निकाल लेना, टी टू भी निकालना, है ना। T1 मतलब यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये T2 मान लीजिए, और यहाँ पे ये क्या है T1। T2 का टेंडेंसी है इसको इधर घुमाने का, T1 का टेंडेंसी इधर घुमाने का है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा T2 रेडियस मैंने R लिया है इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, और अल्फा बोले तो आई ए बाय आर। That means ये equation क्या बन गया T2 minus T1 equal to आई ए बाय आर स्क्वायर। दूसरा ये तो नीचे ही जा रहा है, मतलब एम टू जी माइनस टी टू इज इक्वल टू एम टू ए, और इसको बस T1 खींच रहा है, मतलब T1 इज इक्वल टू एम वन ए, इन तीनों को एड करोगे तो मैंने जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा है वो आ जाएगा। तो आज मैंने बहुत डेफ्थ वाले प्रॉब्लम नहीं लिए, कुछ बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझाया पुली के रॉड के, है ना, इस पे आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के बाद मैं फिर से न्यूमेरिकल पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम लोग अच्छे अच्छे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तब तक इसका प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।